तो ये एसिड बेस रिएक्शन होता क्या है? एसिड बेस रिएक्शन, पक्का? कोई दिक्कत नहीं है, मैं जनरली एसिड बेस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, और कुछ इस तरह की रिएक्शन की बात कर रहा हूं कि एक सॉल्ट है, क्या है, एक सॉल्ट है, पक्का? जो भी है इसमें कोई बेस आया ऑब्वियसली, और एक बेस निकलता है, जब भी सॉल्ट में एक बेस आएगा तो दूसरा बेस निकलेगा, यस और नो? तो अगर ये स्ट्रांग है, क्या है, ये स्ट्रांग है और ये वीक है, तो ये रिएक्शन फिजिबल होगी। फिजिबल का मतलब पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब स्पॉन्टेनियस, तो ये फिजिबल होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये सॉल्ट है और एक बेस आया और वो वीक है, तो ये नॉट फिजिबल होगी, और एक बेस आएगा तो बेस निकलेगा सॉल्ट में से, नॉट फिजिबल। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो एक आएगा एक जाएगा, ये बात तो क्लियर है, लेकिन वो रिएक्शन पॉसिबल होगी तब जब स्ट्रॉन्ग आ रहा है और वीक जा रहा है, समझ में आ रही है बात? आप देख लो यहां पर बेस कौन स्ट्रॉन्ग है, पता चल ही जाएगा आपको, ये सारे बेस है, पक्का? तो कौन सा एनायन आ रहा है और कौन सा जा रहा है, हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले की पॉइंट्स। एक सॉल्ट है, सॉल्ट किससे मिलके बना होता है, एसिड और बेस दोनों से, उसमें एसिड पार्ट भी होता है और बेस पार्ट भी होता है। उसमें एसिड आ गया सपोज, तो एक एसिड वाले पार्ट को निकलना पड़ेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आया है और वीक जा रहा है, तो आप बताइए फिजिबल होगी या नहीं होगी? फिजिबल होगी, बोलो यस और नो? लेकिन अगर सॉल्ट के अंदर एसिड आ रहा है और वो वीक है, तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्लेस नहीं कर सकता, नॉट फिजिबल। ये हमारे पास पांच पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, और एक और पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा। अगर सॉल्ट नहीं है, दोनों ही एसिड बेस है, समझना, समझ रहे हैं? यहां तक क्लियर है आपके पास अच्छे से? ऊपर वाली लाइन हटा रहा हूं मैं, तो हम ये भी कर सकते हैं, फिफ्थ, एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा, एसिड से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस, और बेस से क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये वीक होगा, और ये वीक हो गया, तो ये फिजिबल होगी। अगर एक भी चीज गलत हो गई तो फिर ये फिजिबल नहीं होगी, यानी हमेशा बनने वाली चीज वीक ही होगी एसिड बेस रिएक्शन में। तो पांचों पॉइंट क्लियर हैं आपके? हाँ बेटा, कैसे दिखाई देंगे? बहुत आसानी से, अभी हमने सिर्फ एसिड पढ़ा है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस पढ़ा है, तो यहां हमने कैसे पढ़ा था, एच प्लस निकालना, वहां एच प्लस जोड़ देंगे, तो वो जब एक बार पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसका उल्टा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। एच टू ओ का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एच प्लस निकाल लो, ओ एच माइनस, तो एच टू ओ का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, उसमें H प्लस जोड़ दो, ठीक है? वो हम अभी जब बेसिक स्ट्रेंथ पे कमेंट करेंगे तब बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिलहाल तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मैं एक बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं नॉर्मल तरीके से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए?
अच्छे से आपके लिए दिक्कत हो रही है, आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बना ही लो रिएक्शन के अलावा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी आपके पास एच ए कंपाउंड है, कंपाउंड बोलो अभी, इसका कॉन्जुगेट बेस निकालना है आपको, और इसको कॉन्जुगेट कंपाउंड का कोई नाम लिखना पड़ेगा, चलिए एच ए ही लिख दो, एक कंपाउंड है, कॉन्जुगेट बेस निकालना है, क्या होगा इसका कॉन्जुगेट बेस, ए माइनस, कैसे निकाला आपने, और कॉन्जुगेट ऐसे निकालना है आपको, एच टू ए प्लस, समझ में आ रहा है। लेकिन अब आपके साथ एक दिक्कत आने वाली है, यहां पर आप रटोगे कैसे, कब एच प्लस ऐड करना है, कब माइनस करना है, मुश्किल आएगी थोड़े दिन बाद, तो मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। कॉन्जुगेट बेस निकालते वक्त या निकालने के लिए कंपाउंड को एसिड बनाओ, एसिड बनाओ और एच प्लस निकाल दो, बस खत्म। ट्रिक है, ट्रिक फॉर लर्न। तो कॉन्जुगेट बेस बनाना, बेस बनाना है तो एसिड बनाओ, एसिड बनाना है तो बेस बनाओ, क्योंकि बेस का एसिड होता है, एसिड का बेस होता है। कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो कंपाउंड को क्या बनाओ, एसिड, और एसिड क्या काम करता है, एच प्लस निकालता है। और अगर कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो क्या बनाओ, बेस, और बेस क्या करता है, एच प्लस लेता है। इजी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसी पे एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से आप बता सकते हो कि NH3 के लिए कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही कहा, NH2 माइनस। अब NH3 के लिए कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, NH4 प्लस। लेकिन हमारा एक एप्लीकेशन पार्ट जो बाकी है वो ये है कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, इस पे भी कमेंट करते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, ये टेबल सामने रखते हैं, अभी हमें टेबल पूरी याद नहीं है इसलिए मैं सामने रख रहा हूं आपके। तो आप मुझे बताएंगे जो जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल, देखते हैं कितना आप कर पाते हो। एग्जाम्पल्स, Which of the following reaction is possible? समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। सबसे पहला वाला पॉइंट आपको सिर्फ पॉसिबल पे टिक करना है और नॉट पॉसिबल को क्रॉस कर देना है। मैंने ले लिया, सिंपल है, अभी मैं ज्यादा नहीं बात कर रहा, K2SO4 ले लिया प्लस Cl माइनस KCl प्लस SO4 माइनस 2, बताइए पॉसिबल है या नहीं है, हाँ या ना। देखो बहुत ध्यान से सुनना, HSO4 या SO4 माइनस अपने आप में, ध्यान से सुनिएगा,
सी एल माइनस कहां आ रहा है, सी एल माइनस सही है। देखो जब भी इस तरह की रिएक्शन निकालते हैं तो हम एनायन को एंटर नहीं कराएंगे, बच्चों ध्यान से सुनना, ये बात पूछना ही गलत है, हम यहां पर HCl को एंटर कराएंगे। किसको कराएंगे, HCl को, एनायन को नहीं, न्यूट्रल कंपाउंड्स को हम एंटर कराते हैं, एक न्यूट्रल में न्यूट्रल की रिएक्शन कराएंगे हम, और क्या कराएंगे हम HCl, नहीं तो हमारे लिए दिक्कत आ जाएगी, और ट्वाइस HCl, और अब बताइए क्या बन जाएगा, ट्वाइस KCl प्लस H2SO4, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक एसिड है, तो क्या ये फिजिबल होगी, नहीं ये एक फिजिबल नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल, मेरे पास ये है सॉल्ट ओ एन ए, कौन है ओ एन ए, ओ माइनस दिस, बिल्कुल सही है। अब आप मेरे को बताइए कि मैंने एच टू CO3 के साथ रिएक्शन करा दी, इसकी किसके साथ करा दी, H2CO3, मैंने H2CO3 के साथ कराते ही मेरे पास क्या बन जाएगा OH, और ये उस तरफ चला जाएगा, किस तरफ, ये तो माना गया H और ये बन जाएगा Na2CO3 या NHCO3, हम ज्यादा नहीं कर रहे हम NHCO3, आप बताइए ये फिजिबल है नहीं है, H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो क्या ये फिजिबल है, हाँ है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये बनेगी। थर्ड पॉइंट, अगर इसकी अपोजिट दे दिया जाता, फिनोल के ऊपर, फिनोल में हमने यहां पर सॉरी यहां पर, हाँ यहां तक तो समझ में आ गया आपके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरी तरफ ये ले रहा हूं, फिनोल लिख दिया मैंने यहां पर प्लस NaHCO3 मैंने ये लिख दिया है, रिएक्शंस कराया मैंने, तो ये O- और H2CO3 बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, और ध्यान से सुनिएगा, H2CO3 जनरली CO2 और H2O में डिकम्पोज हो जाता है, तो बताइए क्या इस रिएक्शन में CO2 बनेगी, नहीं, हमेशा H2CO3 को आप क्या लिखते हो, H2O plus CO2, H2CO3 को क्या बोलते हो, H2O CO2, तो बताइए क्या इस रिएक्शन में CO2 मिलेगी, नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन यहां तक जाएगी नहीं तो CO2 कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 देगा, नहीं दे रहा, दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, पक्का, अच्छे समझ में आ गया। लेकिन दूसरी तरफ ठीक है, फोर्थ एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके लिए, क्या ले रहा हूं मैं, मैंने ले लिया सी एफ थ्री सी डबल ओ एच प्लस एन एच सी ओ थ्री, और आपने बना लिया एच टू सी ओ थ्री प्लस सी एफ थ्री सी डबल ओ माइनस एन ए प्लस, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, सोच के बोलिएगा, ये सॉल्ट है आपके पास, ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड, पक्का इस टेबल से पता चल रहा है, हाँ या ना, देखो आप सी एफ थ्री सी डबल ओ एच स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग से सी एफ थ्री सी डबल ओ एच स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग से एच टू सी ओ थ्री वीक बन रहा है, बन सकता है, हाँ या ना, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, हाँ, और क्या ये इस रिएक्शन में सी ओ टू गैस निकल जाएगी, हाँ, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाएगा, कुछ कुछ समझ में आया, बोलो यस। तो ये आपके पास बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं आपके पास, जो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, बस थोड़ा सा इस टेबल को ध्यान में रखो,
तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप बता सकते हो कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट एक और बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपके पास आ रहे हैं। क्या है आपके पास बहुत सारे अच्छे एग्जांपल में? अगर आपके पास कंपाउंड है ये वाला, कौन सा वाला? NH4Cl, और मैंने ये मिला दिया, समझिएगा मैं कुछ और लेना चाहता हूं, NH4Cl मेरे पास सॉल्ट हो गया, ये NH3, ऑब्वियसली NH3 अलग ही निकल जाएगा, NH3, और इस जगह मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि NH4Cl NH3 और HCl बना देगा और HCl इसके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, नहीं हो पाएगा। तो मैं ये वाली रिएक्शन अगर इस तरह से लिखने की कोशिश करूं तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं सोच रहा, दिमाग भी नहीं लगा रहा, मैं तो सिंपल वाली बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास RO माइनस Na+ है और आपने उसको वाटर में डाल दिया, वाटर में डाल दिया ROH+ NaOH बनेगा या नहीं बनेगा? NaOH नहीं, यहां पर गलत हो गया, H2O। हाँ सही है, NaOH बिल्कुल सही है। ये एक सॉल्ट, एक तरह से यहां पर रिएक्शन है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, एसिड वाले पार्ट को देख लो बस। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी? हाँ, सिर्फ एसिड वाले पार्ट को देखिएगा, फिजिबल है, बोलो हाँ या ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके साथ मूव कर रहे हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, सिंपल सा है। मैं आपके साथ हूँ, NaCl में मैंने HI मिला दिया, NaI+ HCl बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा हमारी थ्योरी से, बोलो हाँ या ना। तो आपको अब एसिड बेस रिएक्शन कुछ कुछ समझ में आई, आ गई अच्छे से, लेकिन अभी भी हमारे लिए दिक्कत ये है कि हमें कुछ ही एसिड्स हमारे पास है, हमें और बहुत सारे एसिड्स के आपस में कंपेयर करने होंगे कि वो कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसे हम ये और बता पाएं कि ये है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड की तो बहुत ही भरी बड़ी लिस्ट है, क्योंकि COOH कहाँ होंगे, ऑर्थो मेटा पेरा बहुत सारे एसिड्स बन जाएंगे, तो उसको हम इफेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, मेसोमेरिक क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव, उन सबसे बेसिस करेंगे। लेकिन हाँ, हमें एक बार मोटा मोटा तो आइडिया हो गया कि क्या है, और इतना और आ गया कि हमें मेजो चारों इफेक्ट भी अच्छे से आते हैं, तो हम ये भी लगा सकते हैं कि हाँ ये ज़्यादा होगा या कम होगा, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कॉन्सेप्ट्स को एक बार और नई ऊंचाई तक ले जाना है हमें और। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी हाइट तो पकड़ ली कॉन्सेप्ट्स में, या सुनो क्लियर है? ये देखिए कुछ एग्जाम्पल है जो आपको एसिड बेस्ड रिएक्शंस को देखते हुए बताने कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल यानी पॉसिबल होगी या नहीं होगी। फिजिबल, पॉसिबल, स्पॉन्टेनियस, कुछ भी इस तरह का हो सकता है क्वेश्चंस में। तो एसिड बेस्ड रिएक्शन जब मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रही है, तो हमेशा ये बात दिमाग में रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड बनाता है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस बनाता है, तो कब रिएक्शन वही पॉसिबल होती है। हिंट आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, हिंट सॉल्यूशन के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड बनाता है या स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस बनाता है, बस, तो फिजिबल है। उल्टी डायरेक्शन में ये नॉन फिजिबल होती है या नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, बोलो यस। अब हम एक एक करके इन सब रिएक्शन को देखेंगे कि कौन सी फिजिबल है कौन सी नहीं है, करें स्टार्ट। आप मेरे को बताइए, ये एक एसिड है, यहां पर ये क्या है, एसिड है, और ये भी एक एसिड है, ठीक है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अल्कोहल या वाटर? वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, ऐसा हमने पढ़ाया था, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, बाकी मत देखो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन रहा है, तो क्या ये फिजिबल है, यस और नो? पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल। यस क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं यहां पर सेकंड में, यहां हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन एसिड बेस वाली है, वहां तो फिर भी हमारा सॉल्ट और एसिड वाली रिएक्शन थी, यहां प्रॉपर एसिड बेस रिएक्शन है, तो यहां पर ये एसिड है, ये बेस ओएच दे रहा है, बिल्कुल MeOH है, MeOH एच दे रहा है, ये एसिड है और ये बेस है, यहां से H निकल रहा है तो ये कॉन्जुगेट बेस है इसके लिए, और कॉन्जुगेट बेस और ये कॉन्जुगेट एसिड है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और एसिड बेस रिएक्शन होती है खत्म, इसमें तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको सोचना है तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कॉन्जुगेट है लेकिन वीक बेस है, ये वीक एसिड है, वीक कॉन्जुगेट एसिड, खत्म, कोई डाउट नहीं है। तो ये क्या फिजिबल है? यस, ये भी फिजिबल है, ये भी फिजिबल है, क्लियर है, पॉसिबल, आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो, आ रही है बात समझ में? अब नेक्स्ट थर्ड नंबर का देखिए, यहां फिनोल है और यहां पर न्यूट्रल को देखो, बाकी तो सॉल्ट है, एनायन इसका मतलब सॉल्ट है, ये एक एसिड है, ये एक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग है? फिनोल एल्कोहल से ज्यादा होता है, फिनोल तो वाटर से भी ज्यादा होता है, एल्कोहल के बाद वाटर आता है, वाटर के बाद फिनोल आता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, क्या ये पॉसिबल होगी? हाँ या ना? हाँ, ये भी एक पॉसिबल रिएक्शन है, ये आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये एक एसिड है और ये भी एक एसिड है H2, क्योंकि इसने H दिया है और बाद में ये चेंज हो गया, क्या एल्कोहल H2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? हाँ भाई हाँ, H2 तो बहुत वीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ रिएक्शन हो रही है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, तो आप पॉसिबल हैं, आप टिक करें। इधर देखिए MeOH, और यहां पर क्या हो रहा है, एक फिनोल बन रहा है, फिनोल ही है एक तरह से, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, और मिथाइल अल्कोहल यानी कि मेथेनॉल हमारे लिए क्या है, वीक एसिड, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, कोई डाउट? तो ये आपके पास मैंने 5 एग्जांपल कराए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आगे हम बात करते हैं 6 की, ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है जो कुछ इस तरह में चेंज हो रहा है कि H आसानी से, ठीक है, समझिए बात को, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, सोच के बताएं इसको। देखिए सिंपल सा लॉजिक, कोई ज्यादा खास डिफिकल्ट नहीं है, यहां ये एरोमेटिक था या नहीं था, यहां ये क्या हो जाएगा, इसका लोन पेयर गया, नॉन एरोमेटिक बन रहा है, स्टेबिलिटी कम हो रही है, समझ में आ रहा है, तो यानी कि ये हमारे लिए अनस्टेबिलिटी की तरफ मुंह जा रहा है, हम एसिड बेस तो देख ही सकते हैं, ये अपने आप में क्या है, एक तरह से वीक बेस है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसका लोन पेयर ऑलमोस्ट किस में, रेजोनेंस में है, आप समझ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो नहीं है, क्या बेस है, क्या नहीं है, तो इस कंडीशन में ये वीक बेस है और ये वीक एसिड है, जबकि ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, आप एरोमेटिसिटी पूरी तोड़ रहे हो उसके लिए, तो किसी भी रिएक्शन में इस तरह की में रिएक्शन में एरोमेटिसिटी नहीं टूटती, आपको टूटते हुए नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? नेक्स्ट यहां देखो 7 नंबर में, बिल्कुल बहुत अच्छा है पॉइंट है, यहां पर आप क्या देख रहे हो कि ये H निकलने के बाद ही एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है, वैसे
यहां पर एरोमेटिसिटी है या नहीं है, और ये आसानी से देगा या नहीं देगा, आपको ये चीज सोचनी है सेवन नंबर का। तो मेरे हिसाब से यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपके पास ये इन दोनों में देखना है, ये एक बेस है लोन पेयर, यहां पर भी ये भी एक बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। क्या मैं सही हूं? प्रूव कर लो इनके अंदर। नाइट्रोजन पे साइक्लिंग नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, बोलो हाँ या ना? तो ये साइक्लिक पोजीशन में होने के बाद स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है, इन दोनों में देख लो आप, तो कोई डाउट नहीं है, पक्का। यहां देख लो H2O, और ये हमारे पास अपने आप में ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये एक तरह से अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल, वीक एसिड, क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, 8 नंबर की रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे 9 नंबर की रिएक्शंस में, 9 नंबर की रिएक्शन में ये एसिड है और यहां एसिड है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो बन रहा है ये वीक एसिड बन रहा है उसके कंपेयर में, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये भी पॉसिबल है, देखो 9 नंबर को। अब बात करते हैं 10 नंबर को, यहां मिथाइल है, अरे यार यहां पर कार्बन में हाइड्रोजन है, बहुत ही वीक एसिड है, और आप उससे स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी? नहीं। अब बताइए कौन सा डाउट है, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कोई डाउट, कोई ऐसा लॉजिक जो दोबारा समझना है? हाँ 5th नंबर का बेटा, 5th, इधर देखो, MeOH एल्कोहल है और ये फिनोल है, फिनोल और एल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? फिनोल, ये फिनोल वाला ही पॉइंट आ गया, तो ये ज्यादा एसिडिक होता है, क्लियर करो कॉन्सेप्ट्स, लॉक कर दे। नाइट्रोजन का मैं यहां देख रहा हूं, बिल्कुल इस कंपाउंड में देख रहा हूं, एरोमेटिक था और वो क्या हो जाएगा, उसका लोन पेयर तो गया, तो नॉन एरोमेटिक बन गया, सॉल्ट बनेगा वो बात अलग है। तो यहां पर देखा जाए तो जनरली एक वीक बेस वीक एसिड के साथ रिएक्शन करके एक सॉल्ट बना रहा है, सॉल्टी बनता है, ये दोनों सॉल्टी तो बनेंगे एक साथ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, सॉल्ट तो हर जगह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कब बनते हैं? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस बना रहे हो, ठीक है, सॉल्ट तो बनेंगे एसिड बेस रिएक्शन में, लेकिन सारी एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और कोई डाउट?